जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ाव सोने प्रयाग पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाली व्यक्ति से 4.5 लाख की कीमत की 684 बोतल शराब की जब्त की है। साथ ही एक वाहन को भी सीज किया है। बता दें कि इस वर्ष की केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होते ही रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे ने सभी चौकियों को निर्देश दिया था कि किसी भी कीमत पर अवैध शराब की बिक्री ना हो और केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी कीमत पर शराब और नशे का कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा। प्रचलित केदारनाथ धाम यात्रा की सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए एसपी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में अधीन स्थानों को निर्देशित किया गया था। रात्रि चेकिंग को और स्ट्रॉन्ग किया गया था। इसी क्रम में कल सोनप्रयाग थाने ने एक व्हीकल से 32 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद की।